अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है सुबह. सो आई विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग. ऑनरेबल मिनिस्टर, सेक्रेटरी सर, आर रीसू पीसी ललित के पवार साहब, मिस्टर माइका टेरोनेन फ्रॉम एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, श्री चंद्रशेखर एमडी केरला अकेडमी फॉर स्किल एक्सलेंस, मिस्टर रवि गुप्ता जी एंड ऑनरेबल गेस्ट, आई वेलकम यू ऑल टू दिस स्किल समिट. व्हाई इज स्किल रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द गैप्स इन स्किलिंग, द सप्लाई साइड एंड द डिमांड साइड स्टोरी, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. आई एम वेरी ब्रीफ because the honorable minister has to rush to another program. I would like to recall that why the skilling has failed. We are running the skilling program for last many years, but it has still met with partial success only. It is not that successful as it would have been. There is still requirement for properly skilled manpower, there is skilled unemployment. So the incidence was in year 2000 when our nation was celebrating 50 years of our republic. Swatantrata ke 50 varsh poorn hone par golden jubilee samaroh manaya ja raha tha parliament ke central hall mein. उस समय एक देश में बातचीत चल रही थी कि साहब देश को आजाद हुए 53 साल हो गए हैं और देश में वैसा काम नहीं हो पाया जितना देश में हो जाना चाहिए था. यही बात स्किलिंग पे भी लागू होती है, इसलिए मैं ये उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ. तो जो तब सरकार थी उस समय जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनका ये विचार था कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की गड़बड़ी है, इस कारण से देश का विकास नहीं हो पाया. तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को ही विचार करना चाहिए, बदलना चाहिए. तो बहुत देश में बहस छिड़ी, फिर फाइनली इस बात पे तय हुआ कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं बदलेंगे बट वी विल फॉर्म अ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीआरडब्ल्यूसी बनाएगा. सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्ट के रिमेंबर मिस्टर वेंकट चलैया, आपने नाम भी सुना होगा, एनएचआरसी में भी रहे. उस समय पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में देन प्रेसिडेंट के आर नारायणन साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, इट इज नॉट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड, वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये विचार करने की बात है, जो भी नीतियां बन रही हैं, जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, जो भी कानून है, अगर हम उसे धरातल पे उतार सकें और ढंग से उतार सकें और वैसा ही उतार सकें लेटर एंड स्पिरिट जैसा किताब में लिखा है, आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल. आई थिंक तब भारत का नाम उन्हीं देशों की तरह लिया जा सकेगा जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं. नॉर्वे पहले आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया आता है. हमारा नंबर इस वर्ष 130 से एक पायदान चढ़ के 129 पे आया है. क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम भी पहले 10 में आ जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, पर वो व्यवस्था वैसी ही हो जैसी किताब में लिखी है, जैसी कानून की किताब में लिखी है, जैसी पॉलिसीज जो पेपर पे लिखी है वो ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंट हो. आई होप आज जो स्किल का समिट है, इस सब जो लोग आए हैं, इस सब विषयों पर भी चर्चा होगी और इम्प्लीमेंटेशन पे भी लेटर चर्चा होगी. अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम. थैंक यू.